मेडिकल कॉलेज में छात्र की मौत के मामले में एक बार फिर धरने पर बैठे मृतक के परिजन। मृतक के परिवार जनों ने अधिकारियों पर लगाया कार्रवाई न करने का आरोप। परिवार जनों के मुताबिक आरोपी अभी भी मेडिकल कॉलेज में कर रहे हैं नौकरी। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में एक छात्र का मिला था शव। उसके बाद परिवार जनों ने किया था जमकर हंगामा। आज एक बार फिर समाज के लोगों के साथ धरने पर बैठ गए मृतक के परिवार जन। मृतक छात्र सैलिंद के पिता ने मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल संगीता अनेजा सहित 5 लोगों के खिलाफ नामजद FIR कराई थी दर्ज। थाना उत्तर क्षेत्र के सुभाष तिराहे पर बैठे मृतक छात्र के परिजन धरने पर। दोबारा से धरना देना पड़ा, मेरे बच्चे को न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ धरना दे रहे हैं। क्या आखिर क्या कैसे मौत हुई थी आपके बच्चे की, आखिर क्या कारण है? सही बात यह है कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं दी गई अभी तक किस तरह से मौत हुई। बच्चों ने बताया, वहाँ के लोगों ने बताया है कि मेरे बेटे ने फांसी लगा ली, बताया है उन लोगों ने, परंतु इसका कोई अभी तक हमें प्रूफ नहीं दिया गया कि मेरे बेटे ने फांसी लगाई है। मुझे यही पता नहीं है कि मेरे बेटे ने फांसी लगाई है या किसी ने मार दिया है, उसकी हत्या हुई है, हमें अभी तक कोई जानकारी नहीं। किन किन लोगों के खिलाफ आपने शिकायत दर्ज कराई थी और आखिर क्या वजह है कि अभी तक कार्रवाई नहीं हो पाई? अब ये तो दलित विरोधी व्यवस्थाएं हैं, तो कहाँ से हो जाएगी कार्रवाई? कोई कार्रवाई नहीं हो रही उस तरह के लोगों। आपने शिकायत दर्ज कराई? प्रिंसिपल और एक क्लर्क है, वार्डन है, परीक्षा नियंत्रक हैं, 5 लोगों के खिलाफ हमने FIR कराई है, परंतु किसी के खिलाफ अभी तो कोई कार्रवाई नहीं। सरकार से भी टीम? जी जी, कल मैं, हाँ, सरकार से टीम आई थी, पर वो वहाँ पर जो स्टाफ है जिनके नाम में हमने रिपोर्ट कर रखी है, नेम्ड हैं वो लोग वहीं उपस्थित हैं, बच्चों पर प्रेशर बनाए हुए हैं, बच्चे कुछ कह नहीं पा रहे हैं, तो बच्चों के दबाव में क्या बयान देंगे वो लोग? अब क्या मांग कर रहे हैं? मांग हमारी यही मांग है कि वो लोग लोगों को गिरफ्तार किया जाए, हमारे बच्चे को न्याय मिले, जो दोषी हो उसको सजा मिले, निर्दोष हो उसको छोड़ दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, परंतु दोषी को कोई ना कोई तो दोषी रहा होगा, कोई ना कोई तो काट रहा होगा, जिससे कि हमारे बच्चे ने अगर ऐसा किया है तो किया है, अन्यथा वैसे मुझे ये भरोसा नहीं है कि मेरे बेटे ने ऐसा कुछ किया है, मेरे बेटे को मारा गया है, मेरा ये समझ। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे ऐसी कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। हर खबर की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें।